हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप SPGC होम आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर VCOM फर्स्ट ईयर या VA फर्स्ट ईयर या फिर अदर स्ट्रीम के लिए। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप सर्च करेंगे SPGC होम आर्मी। देन सर्च करने के बाद आपके डेस्कटॉप यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में इस तरह की ये फॉर्मेट वेब खुल जाएगा। और इस साइट में जाके आप देखेंगे कि इसके टॉप में, बिल्कुल टॉप में जाके देखना है, यहाँ पे एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एडमिशन 2022 एंड 2023। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट कॉलम आपको मिलेंगे, डिफरेंट लिंक आपको नीचे मिलेंगे रिगार्डिंग टू ऑनलाइन एडमिशंस, रिगार्डिंग टू द प्रोस्पेक्टस। सो आपने प्रोस्पेक्टस में नहीं जाना है। अप्लाई करने से पहले ज़रूर आप प्रोस्पेक्टस को रीड करें। आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन का टैब खुल जाएगा। अभी ये वर्किंग पे है, थोड़ी नेट की दिक्कत है। जो भी स्क्रीन आपको ओपन होगी उसमें आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके पास ID है या नहीं है। अगर आपके पास ID है तो देन आपको लॉगिन में जाना है। अगर ID नहीं है देन आपको अप्लाई नाउ करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ करेंगे आप तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को साइट में जाके। रजिस्टर करने के लिए उसमें आपसे डिटेल मांगी गई है, जिसमें कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी, नेशनैलिटी, एकेडमिक डिटेल को आप भरेंगे। साथ में आपने 50 की जो पेमेंट है यानी 50 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का आपने यूज़ करना है लॉगिन के लिए। जैसे ही आप लॉगिन ओपन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे डिटेल भरनी है यूज़र आईडी और पासवर्ड की। बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप मेल इसमें डालते हैं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स की मेल ना डालें, आप खुद की क्रिएट करें, वो आपको फॉर एवर, आपको 3 ईयर के लिए वैलिड रहेगी। लॉगिन आईडी जो आपके मेल में आई होगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जो कि SPG से शुरू होती है, और पासवर्ड आपको दिया गया है। इसमें आप डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे देन आपको अपनी पर्सन डिटेल, एकेडमिक डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल आपको फिल करनी है, और अपने फ़ोटो और साइन को यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी मेरे पास कोई भी आईडी नहीं है, ये इनवैलिड इसलिए बता रहा है। तो ध्यान रखें, जो भी आपको मेल में आपको आईडी और पासवर्ड आया है उसको आपने यहाँ पर डालना है। और सिर्फ ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए अप्लाई ना हो है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में होने वाले हैं उनको पिछले साल लॉगिन आईडी मिली है उसी का ही यूज़ करके वो अप्लाई करेंगे। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चली हुई है, आफ्टर 2 या 3 डेज़ के बाद आप सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो वो इस तरह से अप्लाई कर सकता है।